यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज नागपंचमी है, तो जो लोग नागपंचमी मनाते हैं उनके लिए नागपंचमी का हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हम भूतनाथ गए थे, वहाँ से काफ़ी हैरेसमेंट हो गया। तो फिर रात को बहुत अच्छा नींद आया, तो लेट सुबह को लेट से उठा और सिर के ऊपर रेड रेड हो गए, जैसे कि कल रात को मैंने अश्वगंधा लगाया था तो उसी का दाग है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाजार कुछ सामान लेने के लिए। तो गाइस बाजार आके मैं सारा सामान तो ले लिया हूँ, बस अब फूल का बाकी है। फूल नहीं मिल रहा है और फूल बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जहाँ से डेली लेता हूँ वो तो फूल उठा दिए, अभी उनका टाइम हो गया था तो वो फूल उठा दिए। अब मुझे कहीं और से लेना होगा, ज़्यादा दाम देकर लेना होगा। तो गाइस फाइनली फूल भी मिल गया हमें, पर कहीं और से लिया मैं। जो माला मुझे 4 रुपया पड़ता था, वो जिससे मैं लिया वो 10 रुपये बोल रही थी, तो मैं नहीं लिया यार, कौन लेगा यार, 6 रुपये ज़्यादा। और जितना भी मैं फूल लिया ज़्यादा ही पैसा दिया, अब क्या कर सकते। अब इनका फ़ायदा मिल गया था कि मेरी डेली वाली फूल वाली नहीं बैठी थी, तो इनको फ़ायदा मिल गया लेने का। तो भाई ले, तू भी ले, एक दिन ना लेगी, रोज़ रोज़ थोड़ी ना तू लेगी। वही फ़िलहाल अब घर जा रहा हूँ, धूप भी काफ़ी हो रहा है और घर जाके एक बात बताऊँगा आप लोगों को। तो गाइस मैं आपको बताने वाला था कि मैं घर जाके आपको बताऊँगा, पर घर जाने के बाद बहुत काम था और लेट भी हो रहा था, तो आज मुझे अपने कॉलेज से बुलाया गया है कि अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। तो फिंगर्स क्रॉस, आप लोग भी प्रेयर करना यार कि सब कुछ ठीक हो और मेरा एडमिशन हो जाए। तो वही फ़िलहाल अब जा रहा हूँ कॉलेज, पापा आ रहे हैं, तो देखता हूँ आज क्या होता है। गाइस अभी हम जा रहे थे कॉलेज और बारिश स्टार्ट हो गया, अब बहुत ही ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ रुकना पड़ेगा हमें कुछ देर। गाइस पूरे 20 मिनट बाद बारिश रुकी है और अब हम जा रहे हैं, तो अब लेट भी हो गया हमारा। तो गाइस मेरा कॉलेज का सारा काम हो गया है और अब फिलहाल हम जा रहे हैं घर। और कॉलेज के पीछे साइड पूरा खेती खेत है और जैसे कि आप देख ही सक रहे हैं पूरा भुट्टा का खेत है। तो कॉलेज के बाद हम यहाँ आके भुट्टा खाएंगे थोड़े थोड़े। गाइस मैं घर आ गया हूँ कॉलेज से और सारा बातचीत हो गया है, अब देखते हैं कब जाते हैं। और मैं घर में आके क्या देखता हूँ, मैं घर में आके क्या देखता हूँ आप खुद देख लीजिए। मम्मी बना रही है पूड़ी, क्योंकि आज नागपंचमी है, हम चावल नहीं खाएंगे, तो पूड़ी बन रहा है। और यहाँ पे आलू की सब्जी है जो कि मेरा फेवरेट है, आलू की सब्जी। हाँ एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत सूखा रहता है और निकलने में बहुत मुश्किल होता है, पर खा लूँगा ठीक है। और आज पूजा भी है, आज आंटी एक रखवाई है शिव चर्चा, तो क्योंकि आदू को मलेरिया हो गया था तो उसी वजह से आंटी रखवाई है शिव चर्चा, तो आज ऊपर शिव चर्चा है। गाइस लंच हो गया है और पूजा भी ऊपर स्टार्ट हो गया है और हवा भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर पूजा में और बाद में आके नीचे पूजा करूँगा, वही शाम का दिया जलाऊँगा। तो गाइस ये लड़की हमारे बिल्डिंग में रहती है और इसको मैं बार बार जीप दिखा रहा था, तो ये देखिए कैसे कर रही है मुझे, काफ़ी क्यूट है ये।
तो गाइस शाम के 8:30 बज रहे हैं, पूजा हो गया है और मैं शाम की आरती भी कर दिया हूँ। और एक अंकल मिठाई लेकर आए थे, कुछ पूजा था तो इतना बड़ा लड्डू लेकर आए हैं। फिलहाल अभी लड्डू खाता हूँ और इसके बाद जाएंगे बाज़ार कुछ सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि घर में अब सब्जी नहीं है तो रात के डिनर के लिए सब्जी कुछ बनाना है, तो वही अब जाएंगे बाहर, गोलगप्पे भी खाएंगे। तो गाइस रात के 9 बज रहे हैं और पीछे ग्रीन लाइट है, ग्रीन सिग्नल है कि हाँ जाओ बाज़ार खुला होगा, तो अभी जा रहे हैं बाज़ार हम लोग, देखते हैं बाज़ार खुला है या नहीं। तो गाइस जो काम करने आए थे वो काम तो नहीं हुआ, तो पहले गोलगप्पा खा लिया और मैं उनको इतना झाड़ लाने के लिए बोल रहा था, इतना बड़ा मिर्चा आ गया, फेंक दिया, मैं नहीं खाया, माथा खराब है। तो अब जा रहे सब्जी लेने के लिए। तो गाइस हम घर आ गए हैं और देखो कितना पसीना हो गया है, ये गर्मी की वजह से नहीं मिर्चा खाने की वजह से हो गया है। फैन चलाता हूँ, बहुत मिर्चा खा ली। ओह नो, अरे क्रीम लेने तो भूल ही गए, जिसके लिए मैं ज़्यादा पैसे लेके गया मैं वही चीज़ भूल गया, मैं क्रीम लेने के लिए गया था और क्रीम ही नहीं लिया। बस रात के 11 बज रहे हैं और मम्मी एडिटिंग के करने नहीं दे रही है, बोल रही है पहले खाना का फिर एडिटिंग करना। मेरा क्या है ना, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ उसके बाद खाना खाता हूँ तो थोड़ा मूड ठीक हो जाता है। मतलब कंटिन्यूसली आधा घंटा 45 मिनट्स बैठा रहता हूँ ना कंप्यूटर में तो कैसा लगता है, तो फिर थोड़ा ब्रेक लेता हूँ उसके बाद अपलोड करता हूँ ना तो ठीक रहता है। अब क्या है, मुझे पूरा कंटिन्यू अपलोड तक पूरा लैपटॉप में बैठना पड़ेगा, कौन समझाएगा, मम्मी को समझती ही नहीं है मेरा बात। खैर अब जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं और ब्लॉग एडिट हो गया है, पर देखो ये क्या कैसे मेरा बाल काट दिया गया है, ये बार बार ऐसे हो जा रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है, आप ही बताओ ऐसे अच्छा लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है, क्या सुनो भाई। आप देख रहे हो इस बार बाल ठीक से नहीं काटा, सच में मैं इस बार आपको फ़ोटो नहीं दिखाया, ठीक से नहीं काटा इस बार। खैर कोई बात नहीं, दुकान में भीड़ था मैं समझ सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगा, मुझे पता है आप अच्छे से काट दोगे। खैर इस ब्लॉग का ये एंड करता हूँ, आशा करते हैं ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ गाइस ज़रूर से प्रे करना मेरे लिए ताकि मेरा एडमिशन हो जाए, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी, लेट्स रॉक, जय हिंद जय भारत। I'm taking the world you'll see, they'll be gone.